नमस्कार मित्रों, मैं प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स ड्रीम। आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में। काफी आउट परफॉर्मिंग Q4 रहे, एक्सपेक्टेशन था कि 2 से 5% रैली दिखेगी, ये मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था, रिटेल ट्रेडरों का था, लेकिन वैसा रहा नहीं और स्टॉक हालांकि थोड़ा बहुत ग्रीन में ट्रेड होते हुए दिखा है। 2380 के लेवल से ब्रेकडाउन हुआ और इस समय देखेंगे तो 2350 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि अभी भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है और इसके साथ ही यहां देखेंगे तो इसके रिसेंट के Q4 के एनालिसिस ही आपको सभी न्यूज़ पे आते हुए दिखेंगे। इसके रिकमेंडेड टारगेट क्या दिखे, इससे पहले कल भी हमने आपसे कहा था कि जो प्रपोजल था न्यू एनर्जी को खुद में अंडरटेक करने का, उसको इस समय पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। यहाँ देखेंगे तो Q4 के रिलेटेड ही सभी न्यूज़ दिख रहे हैं और Q4 के बाद के जो नंबर्स आए हैं वो मैं आपको यहाँ दिखाऊं। जो मिनिमम लोएस्ट नंबर है वो 2700 तक के हैं और जो हाईएस्ट है 2300 तक के लेवल दिखे हैं। और यहाँ देखेंगे तो ट्रेंड भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, डिलीवरी बेहतर दिख रही है। चार्ट के माध्यम से इस समय जो रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 2420 है, इसको ब्रेकआउट करता है तो एक बड़ा लेवल जो है 2600 तक के लेवल भी दिखेंगे। इस समय तो शॉर्ट करने से बचना चाहिए। अभी ट्रेंड देखेंगे तो हायर हाई हायर लो ट्रेंड दिख रहा है और नेक्स्ट 1 मंथ में 3200 से 3500 तक के लेवल एज पर माई ओन एक्सपीरियंस भी दिख सकता है।